नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में बुधवार शाम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन पर अलग अलग धाराओं में दर्ज केसों में 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। एनआई कोर्ट से जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का आग्रह किया गया था। यासीन मलिक पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने जैसे संगीन आरोप थे। उन्होंने अदालत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, हालांकि वो निर्दलीय के तौर पर ही जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने की सूरत में वो समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा जा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने सपा के नेता आजम खान के मुकदमे को लड़ा था और उन्हें जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि सिब्बल को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देकर अखिलेश यादव ने आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के ऐलान को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी पार्टी से लोग आते जाते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिब्बल ने पार्टी अध्यक्ष को पहले ही पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि वो कांग्रेस के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उन्होंने कुछ और नहीं कहा। उन्हें अपनी स्थिति तय करने दें, तब मैं कुछ कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ने वालों को दोष नहीं देने जा रहा हूं। कांग्रेस में बहुत बड़ी जगह है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले जितिन प्रसाद ने कपिल सिब्बल पर तंज कसा है। जितिन ने कपिल सिब्बल के पुराने ट्वीट को निकालकर उसको रीट्वीट कर लिखा है, मिस्टर सिब्बल कैसा है प्रसाद। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा को हैशटैग कर लिखा है। सिब्बल के जिस ट्वीट को जितिन प्रसाद ने रीट्वीट किया है, वो ट्वीट सिब्बल ने जितिन के बीजेपी में जाने के बाद किया था। सिब्बल ने कहा था कि जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल, सवाल ये है कि क्या उन्हें भाजपा से प्रसाद मिलेगा या वो यूपी चुनाव के लिए सिर्फ एक कैच हैं। सिब्बल ने ट्वीट में आगे लिखा था, ऐसे सौदों में अगर विचारधारा मायने नहीं रखती है तो एक ओर से दूसरी ओर जाना आसान होता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा है कि नवंबर 2021 में शुरू हुए किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई। सीएम योगी के इस जवाब के बाद लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत की घटना सदन में बैठे विधायकों को याद आ गई। लखीमपुर खीरी में किसानों को कथित तौर पर जीप से कुचलकर मारने के आरोप में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा जेल में है। मंगलवार को विधानसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि क्या राज्य सरकार उन परिवारों को मुआवजा देने पर विचार कर रही है जिनके परिवार के किसान आंदोलन के दौरान मारे गए थे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि राजस्व विभाग के प्रमुख भी हैं, ने सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के सवाल का जवाब दिया। इस तरह सीएम के जवाब ने मुआवजे पर राज्य के रुख को ठीक 2 महीने बाद स्पष्ट कर दिया है। सीएम कह रहे हैं कि किसी किसान की मौत नहीं हुई तो जाहिर है कि राज्य सरकार मुआवजा भी नहीं देगी। यूपी विधानसभा में आज सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जमकर भिड़ंत हुई। हालात ये हो गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीच बचाव कर उतरना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव द्वारा उनके द्वारा गिनाए जाने वाले कामों पर हमला किया। मौर्य ने कहा कि सड़क किसने बनाई, एक्सप्रेस वे किसने बनाया, मेट्रो किसने बनाई, ऐसा कहते हैं जैसे सैफई की जमीन बेचकर यह सब बनवा दिया हो। इस पर गुस्साए अखिलेश खड़े हुए और कहा कि तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, राशन बांटा पिताजी लाए। इसके बाद जमकर शोर शराबा होने लगा, जिसके बाद बीच में योगी आदित्यनाथ को खड़े होकर बोलना पड़ा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। बुधवार को दाखिल इस याचिका में कहा गया है, ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का खुले तौर पर उल्लंघन करता है, जबकि देश में कानून का शासन है। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती ने इस याचिका में अधिनियम की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि ये धाराएं न सिर्फ अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करती हैं, बल्कि धारा 25, 26, 29 और धर्मनिरपेक्षता कानून के शासन के सिद्धांतों का भी खुले तौर पर उल्लंघन करती हैं। अनुच्छेद 14, 15, 21 धाराएं संविधान की प्रस्तावना और मूल स्वरूप का एक अहम हिस्सा हैं। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के अधिकार पर इससे बहुत बड़ा हमला किया गया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 2, 3, 4 ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार छीन लिया है और इस तरह इंसाफ का अधिकार बंद कर दिया गया है। कथित तौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगने वाला एक नया मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को होगी। वादी किरण सिंह ने मांग की है कि हिंदू याचिकाकर्ताओं या और भक्तों के प्रवेश और शिवलिंग की पूजा में बाधा उत्पन्न न की जाए। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि मामले के निपटारे तक भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर देवताओं की पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए।
पाकिस्तान में इमरान खान के ऐलान पर पीटीआई आज इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च नाम से बड़ा जलसा करने जा रही है। इसके कारण प्रशासन की ओर से सड़कों को बंद कर दिया गया है, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई जगह पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कंटेनर्स को हटाने की कोशिश की और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान उनकी पुलिस से जबरदस्त झड़प हुई, कई कार्यकर्ता जख्मी हुए। पीटीआई का कहना है कि पंजाब के अलग अलग इलाकों से इस्लामाबाद के लिए काफिले आ रहे हैं। वहीं इमरान खान ने कहा है कि कोई भी नाकेबंदी उनके मार्च को रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च होकर रहेगा। इमरान भी डी चौक के लिए निकल चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।